नमस्कार यूनियन 08 में आपका स्वागत है। मैं सोनम खान। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। ताजा खबरों के लिए बने रहिए यूनियन 08 के साथ। मुंगावली से शंभू राठौर की रिपोर्ट। गुना जिले की तहसील आरून में समाज सेवी चेतन भार्गव एवं आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें वापस लेने के लिए मुंगावली में समस्त हिंदू समाज द्वारा एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। देखते रहिए यूनियन 08। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए यूवीएन 08 के साथ। ज्ञापन देने वालों में अमर सिंह यादव, अजय सिंह यादव, बजरंगदल जितेंद्र श्रीवास्तव, मीनू उपाध्याय, राम यादव, गोविंद तिवारी, मनोरंजन राजपूत, आशीष श्रीवास्तव, ब्रजेंद्र मरणतुंजय कौशल, भूपेंद्र, राहुल जितेंद्र आदि लोग मौजूद रहे। श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय विषय आदरणीय चेतन भार्गव जी पर षड्यंत्र पूर्वक की गई एफआईआर को वापस लेने के संबंध में, महोदय उपयुक्त विषय अंतर्गत तहसील वासियों की ओर से निवेदन है कि 30/7/2020 को कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय परगना आरोन जिला गुना मध्य प्रदेश के निर्देश पत्र क्रमांक V2/2020/928 के माध्यम से पूर्व संघ प्रचारक एवं समाज सेवी श्री चेतन भार्गव जी एवं गोविंद प्रसाद शर्मा सहित अन्य 1700 साथियों को लोगों के बीच जाकर मास्क बांटने, कोरोना वायरस से बचाव हेतु समझाइश देने के दौरान थाना प्रभारी आरन द्वारा षड्यंत्र पूर्वक धारा 188, 269, 270 एवं अन्य धाराओं के तहत श्री चेतन जी भार्गव श्री गोविंद प्रसाद शर्मा जी सहित 7500 साथियों के विरुद्ध विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है। जबकि लॉकडाउन के काल में अन्य राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा गांव-गांव में नगरों में चुनाव प्रचार के दौरान हजार लोगों की भीड़ एकत्रित कर लॉकडाउन का उल्लंघन किया जा रहा था, जिसकी जानकारी शासन प्रशासन को है, किंतु अधिकारियों द्वारा संबंधित के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इससे स्पष्ट होता है कि आदरणीय चेतन जी भार्गव एवं श्री गोविंद प्रसाद शर्मा सहित अन्य साथियों पर सेवा कार्यों के विरुद्ध हुई एफआईआर दोषपूर्ण षड्यंत्रकारी।